या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापहा नमस्कार। 300 वर्ष पहले सेनिया घराने के स्वर्गीय उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने रवाब नाम के साज में कुछ परिवर्तन करके उसे वो रूप दिया जिसे आज हम सरोद कहते हैं। कई पुश्तों के बाद उनके परिवार के एक 15 वर्षीय पुत्र को सरोद सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिन्हें हम आज अमजद अली खां के नाम से जानते हैं। सरोद वादक और अपने गुरु स्वर्गीय उस्ताद हफीज अली खां के ये सुपुत्र कहते हैं मियां तानसेन की अद्भुत परंपरा को आज तक कायम रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लाखों करोड़ों देश विदेशी संगीत प्रेमियों को अपने सरोद वादन से मंत्रमुग्ध किया है, बल्कि अपनी रचनाओं से अपने संगीत ज्ञान के अनेक सुरीले उदाहरण पेश किए हैं। इस कामयाबी कड़ी तपस्या की जानकारी इन्हीं से सुनिए और जानिए कि साधना क्या होती है। क्या कर रहे हो? सारा खराब कर दिया अंतर आपने। उसको ठीक से कहो, नीसा धार तो था ही नहीं उसमें। नीगा नीसा है। चलो da 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 da
आपके पिताजी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इसमें आप भी है। हाँ, ये 1960 का फोटोग्राफ है, मुझे अभी भी याद है जी। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन में ये था गेट टुगेदर, और जहाँ राजेंद्र बाबू ने अब्बा से पूछा कि खान साहब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कहने बस भगवान की कृपा है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन राग दरबारी कारण आप बहुत खतरे में है और उसके लिए आप कुछ करिए, उसकी शुद्धता खत्म हो रही है, लोग उसमें बहुत लिबर्टीज ले रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा खुशी के साथ एश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि जैसे वो दूसरे दिन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करते हैं कि सबको दरबारी ऐसे ही गाना बजाना है। तो फिर अब उन्होंने पूछा खान साहब और मैं क्या करूँ आपके लिए, कहने नहीं बस मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। तो वो वापस आ रहे थे और मुझे ये ख्याल आया कि देखिए मेरे अब्बा हुजूर ने इतने बड़े आदमी से मिले और क्या बात करी, और इन्होंने कुछ मकान मांग लेते, कुछ ज़मीन ले लेते, ये कुछ हर चीज़ की ज़रूरत थी हमें। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो संगीत के रखवाली के लिए आए थे और बिल्कुल अपना जीवन उन्होंने संगीत को ही समर्पण करा। वही नहीं, उनके और सहयोगी कलाकार सभी पुराने लोग ऐसे ही थे जो दे वर टोटली डेडिकेटेड, दे वर इन्वॉल्व इन म्यूजिक एंड दे लिव फॉर द कॉज ऑफ म्यूजिक। अम्जी टी प्लीज कम। अम्जी साहब पिछले 5 पुश्तों से आपके यहाँ परंपरा चली आ रही है। हाँ। और आपके बेटे अमान और अयान से और आगे बढ़ा रहे हैं। सारे शागिर्द लोग बच्चे सभी कोशिश में लगे हैं। एंड सुब्बुलक्ष्मी जी सच ए गुड डांसर है सर। Did I hear right? His name was Little Kadesh. Very good dance. Yeah, I did. So much of a past. पुराने हो गए बात। नहीं, लेकिन आपके माहौल इतना संगीत में ही है। आप यहाँ जो काम करते हैं, हाँ जी, हमको भी संगीत नृत्य में इतनी रुचि है। उनकी रुचि ना बढ़े इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे एक संगीतकार के घर में बहुत ज़्यादा लोगों का शौक था, यानी उनका इंस्ट्रक्शन था कि जो भी बात करो गा कर ही करो। तो एक दफ़ा वो बाहर गए हुए थे कहीं शतरंज खेलने के लिए, तो बहुत ही कुछ खास बात काम करने वाले कहना थी, बेचारा दौड़ता हुआ हाँपता हुआ वहाँ पहुँचा, एकदम याद आया तो गाना शुरू हुआ। आपके घर में हुजूर, यानी आधा घंटा लगा दिया बढ़ करके। फिर बाद में आपके घर में आग लगी है। हमने तो सुना था कि कलाकार बहुत ही गंभीर मिजाज के होते हैं, लेकिन यू वेरी लकी, इनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। दिस इज अ वेरी रेयर ओकेशन, अदरवाइज आस्क मी द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। यू मीन सीरियसनेस? वेल नहीं, वैसे कलाकार अपने कला में इतने खो जाते हैं कि बाहर वालों को तो ऐसे ही लगता है कि बहुत ही सीरियस है, लेकिन जब करीब से देखो तो नहीं, वो तो है। अमजद साहब आपको बच्चों को संगीत सिखाने का काफ़ी शौक है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? बच्चे एक हमारे देश के भविष्य हैं, और मेरी ये कोशिश रही है कि उनको शौक पैदा रहे जी, ताकि हमारी परंपरा आगे बढ़ती रहे। और मैंने उनके लिए गाने भी बनाए हैं, रिकॉर्ड भी मार्केट में मौजूद है,
और खासकर जात का और प्यार का और देश का एकता का संदेश है गाने के जरिए। आपने बच्चों के इस गाने के अलावा और बहुत सारी धुनें बनाई हैं। नहीं, बड़ों की तो मैं सेवा करते ही आ रहा हूँ, लेकिन बच्चों के लिए खासकर रिकॉर्ड में काफ़ी गाने बनाए और उसके अलावा गजलों का भी मैंने कंपोजिशंस करे हैं। काम से आ पड़ा है के जिसका जहान में हर चंद हो मुशाहदाए
ग्वालियर के हैं, लेकिन फिर आपके दिल्ली आना कब हुआ और कैसे? मेरे यहाँ पिता गुरु उस्ताद हाफिज अली खान साहब को बुलाया गया, और यहाँ भारतीय कला केंद्र एक म्यूजिक का इंस्टीट्यूशन जो आज भी है, तो उसमें वो रहे काफ़ी अरसे। और फिर मैं बहुत छोटा था, मेरी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल में यहीं से शुरू हुई, और लेकिन आज भी ग्वालियर से नाता जुड़ा हुआ है और इंशाल्लाह हमेशा जुड़ा रहेगा, और क्योंकि वो मेरी पैदाइश की जगह है। अमजद साहब, आपने तो सरोद वाद्य के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। अब मैंने जो कुछ किया है वो तो शायद मेरे श्रोता ही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रही है कि सरोद खुदा करे ऐसा बजे के और जैसे कि कोई गा रहा है। वैसे हाल ही में आपने एक सरोद फेस्टिवल का आयोजन भी किया था, जिसमें 40 से ज़्यादा कलाकारों ने भाग लिया, कुछ नए उभरते हुए कलाकार भी और कुछ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड भी, जिसमें आपके दोनों बेटे अमान और अयान भी थे। वो दे वर द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स। अमजद साहब, उस्ताद हाफिज अली खां मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से कुछ कलाकारों को अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। हाँ, ये पिछले 5-6 साल से हाफिज अली खान अवार्ड हमारे जो भी महान संगीतकार बुजुर्ग जिनका योगदान पूरी जनता में सबको पता है, उन लोगों को सम्मानित करा जाता है हाफिज अली खान अवार्ड से। अलग अलग शहरों में वो फंक्शन करा जाता है, और कोई बड़े बुजुर्ग के हाथ से वो किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ को कायम रखे, बड़ों का आदर करते रहे, क्योंकि आशीर्वाद के बिना ना सुर में कोई गा सकता ना बजा सकता। इकट्ठा चलते हैं अंदर। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, मुझे ऐसी माँ मिली जिन्होंने इतने प्यार से मुझे बड़ा किया और इस काबिल किया कि मैं आप सबकी सेवा कर सक रहा हूँ। Thank you.
स्वर ही ईश्वर है और हर राग में एक आत्मा है।